दोस्तों बिग बॉस सीजन 16 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर बड़े झगड़े के बाद निमरित कौर और एमसी स्टैन के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। दरअसल दोस्तों कुछ समय पहले गोरी नागोरी के लिए स्टैंड लेते हुए एमसी स्टैन ने निमरित कौर से झगड़ा किया था, क्योंकि निमरित कौर ने घर के सभी कंटेस्टेंट्स के सामने एमसी स्टैन की सबसे अच्छी दोस्त यानी कि गोरी नागोरी पर आटा चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया था, जबकि दोस्तों इस चोरी में खुद निमरित भी शामिल थी। और ये बात कहीं ना कहीं स्टैन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिसके चलते यहाँ पर स्टैन ने गोरी नागोरी के लिए निमरित कौर की क्लास लगा डाली। लेकिन दोस्तों इस समय बिग बॉस के लाइव फीड में दोनों के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती हो चुकी है और निमरित कौर को जो भी गलतफहमी थी वो अपनी गलतफहमी दूर कर चुकी है और कहा कि मुझसे गलती हो गई। वहीं इसके बाद में उन्होंने स्टैन के साथ बातचीत करते हुए स्टैन की तारीफ भी की और कहा कि तू वाकई काफ़ी अच्छा है, दिल का काफ़ी अच्छा है और हो सकता है कि गोरी की इंटेंशन चोरी करने की ना रही हो, लेकिन मैं उस समय गोरी को नहीं समझ पाई थी। वहीं निमरित कौर ने कहा कि आप लोग तो कभी मुझसे बात भी नहीं करते हो, हमेशा मैं ही आकर आपसे बात करती हूँ और स्टैन तू तो कभी मुझसे बात ही नहीं करता है। जिसके बाद स्टैन ने कहा कि अब हम एक ही रूम में शिफ्ट हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। खैर दोस्तों दोनों के बीच में दोस्ती तो काफ़ी गहरी हो चुकी है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुसीबत के समय दोनों एक दूसरे का साथ देंगे या नहीं। फिलहाल दोस्तों यदि आप भी स्टैन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।